से आप लेने जाते हो तो समझ से वो न्यूज़ पेपर में देता है, उतना ही पढ़ लो उतने से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ो ठीक है। तो न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो उसमें आज के न्यूज़ पेपर में निकला है कि एक ही चुनाव होने वाला है, यानी कि आपको लग नहीं रहा कि ये प्रोसेस बड़ी ज़्यादा मुश्किल है इंडिया में हो पाना? इंडिया में मुश्किल है क्योंकि विविधता ज़्यादा है सर, लेकिन एक हिसाब से अच्छा होती थी। फिर उसके बाद ये बताओ तो अलग कोई राज्य सरकार गिर गई और फिर पूरे देश का दोबारा चुनाव करवाओगे? ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार बीच में ना गिरे? नहीं तो राज्य सरकार गिरेगी सर। खुद सोचो ना। अरे सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्या ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार ना गिरे बीच में? हो सकता है कोई राज्य की सरकार 5 साल के अंतराल के पहले ही गिर जाए, एकदम हो सकता है। और 5 साल के पहले ही राज्य सरकार गिर गई तो क्या पूरे केंद्र में और पूरे राज्य में दोबारा चुनाव करोगे? गड़बड़ हो जाएगा मामला। और उसी तरह अगर केंद्र की सरकार गिर गई 5 साल के भीतर, 1.5-2 साल में, 3 साल में, तो क्या फिर पूरे राज्यों में अलग अलग सब जगह राज्य सरकार के चुनाव करवाओगे? गलत चीज हो जाएगी ना। नहीं समझ पा रहा मेरी बात। ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो एक राष्ट्र एक चुनाव वाली प्रोसेस है। हाँ भाई है ना, ये प्रोसेस है तो बहुत अच्छी, लेकिन अब सोच समझ के बताना, स्थिर सरकार में, स्थिर व्यवस्था में या अस्थिर व्यवस्था में? स्थिर व्यवस्था में या बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां पर सरकार की स्थिरता बनी रहेगी, 4-5 साल कार्यकाल बना हुआ है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर सरकार का कार्यकाल कितने साल का होता है? सरकार का कार्यकाल कितने साल का होता है? सरकार का कोई कार्यकाल नहीं होता, एमपी का कार्यकाल होता है। सरकार का कोई कार्यकाल नहीं होता, सांसद का कार्यकाल होता है, सरकार का कोई कार्यकाल नहीं। सरकार तो 1.5 साल में गिर जाए तो क्या कर लोगे? मेरी बात सुन नहीं क्या? मतलब पीएम ने रिजाइन दिया, सरकार गिर गई, कोई गलत बिल आ गया, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, सरकार गिर गई, सरकार का कोई कार्यकाल नहीं होता। मेरी बात सुन नहीं, मंत्री का कह सकते हो, एमपी का, असल में सांसदों का कार्यकाल होता है, सरकार का कार्यकाल नहीं होता। पहली बात सरकार गिरा ना, मतलब बहुत आसान तो नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन होता है, हमारे यहाँ सरकार गिरती है, इसलिए कल बात हुई थी, अस्थिर सरकार की व्यवस्था है ना, इन्हीं सब बारे इसी ने यही सब चीज़ें तो क्लियर हो जाए एकदम बेसिक से, इसीलिए तो हमने इतनी चर्चा की ना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, इसे डीप में चर्चा करने का यही कारण ही था ताकि तुम समझ जाओ दो तरह की व्यवस्था है। हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता क्यों बन जाती है, कई बार इल्जाम लगता है संसदीय व्यवस्था पर, लेकिन विश्व के बहुत सारे देश संसदीय व्यवस्था को ही, संसदीय व्यवस्था की प्रणाली को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी लंबी सरकार खींच रहे हैं, बना रहे हैं। क्या मेरी गलती है? फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया ब्रिटेन, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कैनेडा, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था की सरकार चली, हालांकि कैनेडा में सेमी प्रेसिडेंशियल भी है, लेकिन यहाँ पर संसदीय व्यवस्था की मुख्य रूप से सरकार चल रही है और यहाँ पर सरकार राजनीतिक रूप से स्थिर होती है। जर्मन को बताया था ना, जर्मन अवधारणा का लिखवा गया पूरा, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाई थी? हाँ मैंने बताया था भैया, यहाँ पर सरकार चलाना कितना आसान है, लोकसभा में इलेक्शन हुए और लोकसभा के इलेक्शन हुए और उसमें कोई सरकार चल के आ गई, एमपी ने, कुछ घटक दल के एमपीज ने किसी एक पार्टी को वोट दे दिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, कल को हो सकता है किसी बिल से नाराज होकर उस दल के एमपी, उस दल के सांसद अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले ले और सरकार तुरंत गिर जाएगी। कितनी अस्थिरता है भैया, एक बिल आया सरकार गिर गई है ना, हो सकता है अगला बिल आए, हो सकता है नई सरकार बने और फिर वो एक बिल और फिर सरकार गिर जाए, कितनी अस्थिरता है। मेरी बात सुन, क्या कोई लिमिटेशन है, क्या कोई बाध्यता है कि 1 महीने चलेगी, 10 दिन चलेगी, 12 दिन चलेगी? सरकार चाहे तो 1 घंटे में गिर जाए, सरकार बनी, कोई बिल पास हो रहा है, एमपी ने बोला कि हम समर्थन नहीं देंगे इस बिल पर, 1 घंटे में सरकार गिर जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो जी। क्या मेरी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सरकार को गिराने कई सारे तरीके बात भी हो चुकी है इस बारे में है ना, तो अगर सरकार गिरती है, अगर सरकार गिर रही है और उस समय इलेक्शन में भाई कुछ टाइम लगेगा ना, सरकार गिर गई
और इस समय इलेक्शन में कुछ टाइम लगेगा, तुरंत इलेक्शन हो नहीं जाएगा कि कोई पीएम इन वेटिंग खड़ा हुआ है कि हमें तुम पीएम बना दो नेक्स्ट, है ना, हमारे नया प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा तो होगा नहीं। दोबारा से चुनाव होगा और दोबारा से चुनाव होने के बाद रिजल्ट आएगा, उन सब प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया था मैंने, केयर टेकर गवर्नमेंट बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखवाया था शायद मैंने, त्रिशंकु सरकार जो बीच में लटकी होती है, लिखवाया था, चलो ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट से बोलते हैं। केयर टेकर सरकार क्या होती है, केयर टेकर, हाँ त्रिशंकु लिखवाया था, करेक्ट त्रिशंकु। तो केयर टेकर सरकार क्या होती है, जो कि हाँ ना अभी ये एक तरह से इनसे समर्थन जा चुका है, लेकिन नई वाली सरकार अभी आनी बाकी है। क्या जिस दिन राहुल गांधी पीएम बन गया, लेट अस सपोज कांग्रेस जीत गई, लेट अस सपोज एक बार उम्मीद कर लेते हैं कि कांग्रेस जीत जाती है, तो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आ गया उसी दिन अगले दिन पहुंच जाएंगे संसद, आज से हम पीएम है, या जिस पल बनेंगे से पल पहुंच जाएंगे, नहीं भैया कुछ प्रोसेस चलेगी ना, शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल होगा, कुछ प्रोसेस चलेगी ना, 10-12 दिन लगेगा, 2 वीक लगता है लगभग, 2 हफ्ते लगते हैं, क्या मेरी बात क्लियर, तब तक के लिए क्या राष्ट्रपति को अकेला छोड़ देंगे, क्या राष्ट्रपति जो डे टू डे के मुद्दे हैं, जो दैनिक चीजें हैं जिस पे उसे साइन करना है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर बताया हुआ है एक बार, जो दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं राष्ट्रपति को साइन करना है, ऐसे में राष्ट्रपति को अकेला छोड़ देंगे, नहीं ना, राष्ट्रपति के समर्पण में कुछ मंत्रिपरिषद होने चाहिए, यानी कि एक केयर टेकर मंत्रिपरिषद, एक त्रिशंकु मंत्रिपरिषद और एक त्रिशंकु सरकार होनी चाहिए, क्या मेरी बात क्लियर। अब वो सरकार कौन सी आएगी, नई वाली या पुरानी वाली कंटिन्यू करेगी, पुरानी वाली, क्या मेरी बात क्लियर है, पुरानी सरकार जो कि हार चुकी है, आज ही रिजल्ट आया, आज के परिणाम में देखा कि हमें तो देश की जनता ने बाहर कर दिया, बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन तब भी कल सुबह संसद में जाना है, मेरी बात से भाई, जब तक नई सरकार आकर अपना कार्यभार नहीं संभालेगी तब तक इस सरकार को अपने दायित्व को निभाना है संसद के प्रति, देश के प्रति, क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, त्रिशंकु सरकार, क्या बोलते हैं, त्रिशंकु सरकार या केयर टेकर गवर्नमेंट। अब ये बताओ, केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर सरकार, त्रिशंकु सरकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर आया, कुछ लोग खड़े हुए है ना, मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, मैंने गुड आफ्टरनून का जवाब नहीं दिया, तुमसे बोला कि गुड आफ्टरनून बोलो, है ना, क्या तुम्हें लगा कि यह तो परंपरा के विपरीत कुछ हो रहा है, ये तो आते ही गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, हमारे बोलने के पहले ही पहले बोल देते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो जैसे ये परंपरागत एक चीज चली आ रही होती है उसी को फॉलो करते हैं, अगर वो चीज नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ऑड लगता है कि यार ये तो परंपरा में चला आ रहा था, ऐसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है, आदमी का दिमाग ठीक नहीं लग रहा है ना, अपने दिमाग की दवाई सही से समय पे लग रहा है, खा के नहीं आया, ऐसे सोचे नहीं ना, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आज एक गुड डॉक्टर का जवाब नहीं दे रहे, आज ऐसे बोल नहीं रहे, क्या मेरी बात समझ में, ठीक उसी तरह तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा, आज यार ऐसा वैसा हो गया, इसमें मेरा मूड नहीं है, इसमें तुमको जवाब नहीं दिया, कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा ना, तो कुछ परंपराएं लगातार चली आ रही होती हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी एक संवैधानिक परंपरा, क्या मेरी बात क्लियर है, जिसका जिक्र किसी भी संविधान के आर्टिकल में नहीं है, परंपरा है ना तो निभानी है, निभ रही है, पहले से चली आ रही है, ब्रिटेन में थी तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटेन में थी तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में अभी ये चर्चित में थी सर, हाँ त्रिशंकु सरकार चर्चा में रहती है अक्सर, जब भी ये होता है इस तरह का इलेक्शन तो उसमें चर्चा में हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यह चीज किसी भी संविधान के आर्टिकल में लिखी नहीं, यह परंपरागत रूप से चली आ रही है, क्या मेरी बात क्लियर है, और अगर इसके खिलाफ परंपरागत रूप से चली आ रही है इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य तौर पर इसके खिलाफ यह परंपरा तोड़ी नहीं जाएगी, अगर बाई चांस यह परंपरा तोड़ी जा रही है तो सरकार को संसद में या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि इन संवैधानिक परंपराओं को क्यों तोड़ा गया, क्या मेरी बात समझ, कुछ रीति रिवाज होते हैं ना, अरे बोलो सुबह जा रहे पेपर देने, है ना, घर में इतने बड़े बुजुर्ग हैं वैसे भी सुबह के छूना चाहिए पैर, लेकिन पेपर वाले तो स्पेशली नहीं खोलते हैं, है ना, सबके पैर
सबके पैर छोड़ के आएंगे, एकदम झुक के आएंगे, वैसे घुटने के पास छोड़ के आ गए, लेकिन पेपर होता है कहाँ, पूरे दिन झुक के एकदम चरणों में आप ही का आशीर्वाद बताया लग जाए, है ना, हो जाए हमारा प्रेम, क्या मेरी बात समझ आई? अब ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? क्या इस बात की कोई बुजुर्ग गारंटी ले रहा है कि हम आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा पीएससी या यूपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा? कौन सा बुजुर्ग इस बात की गारंटी ले रहा है? अगर तुम सुबह उठ के योगी आदित्यनाथ जी के भी पैर छू के आओगे तो भी उस गारंटी को लेंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी मेहनत से एग्जाम देना है, उनकी कृपा से छोड़ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक परंपरा चली आ रही है, हम बड़े बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, हमें लगता है उनके आशीर्वाद से हमारा हो सकता है, कुछ भला हो जाएगा। एक हो सकता है एक क्वेश्चन दाएं बाएं करके देख ही लें, मेरी बात समझ सकता है वही दुआ कुछ काम आ जाए, ठीक है? कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो उसी तरह संवैधानिक कुछ रीति रिवाज है, उसी तरह कुछ संवैधानिक रीति रिवाज है जिन्हें फॉलो किया जाता है, इसलिए नहीं कि संविधान में उसकी चर्चा है, संविधान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी उसे फॉलो किया जा रहा होता है। क्यों फॉलो किया जा रहा होता है, क्यों उसका अनुसरण किया जा रहा होता है, क्या कारण होता है? क्योंकि यह चीजें चली आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे निर्देशों में कहा है कि संविधान में जो चीजें लिखी हुई है, ना, उन चीजों से संवैधानिक परंपराएं किसी भी मामले में कमतर नहीं है। हालांकि जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि न्यायोचित नहीं है, अगर यह फॉलो हो नहीं हो रहा है तो कोई केस नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांग सकती है कि यह एक संवैधानिक परंपरा या यह एक संसदीय परंपरा चली आ रही थी और इसे इसका अनुसरण क्यों नहीं किया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, लेट अस सपोज कि लोकसभा के एमपी जो है वो लोकसभा के जो एमपी हैं, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी विधायिका, इसी अंडे को हम एकदम बीच से काट लेंगे, ठीक है, और इस अंडे का जो येलो वाला पार्ट है वो है क्या? अरे बोलो कुछ, अरे बहुत समझदार हो, कार्यपालिका। ये हो गया, कुछ लोग आगे लोकसभा से, कुछ लोग आगे राज्यसभा से, क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये बताओ, ये तो तुम्हें पता ही है, पहले से तो कोई नहीं बात है नहीं, ये तो तुमने पढ़ी चुके इस बारे में। अब लेट अस सपोज कोई सरकार गिर गई, कोई सरकार गिर गई, यानी कि लोकसभा से जो समर्थन था कार्यपालिका को वो समर्थन सांसदों ने नहीं दिया, कोई विधेयक आया, कोई विधेयक कार्यपालिका ने लाया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद ने लाया, और वह विधेयक पारित नहीं हुआ, धन विधेयक आया वो पारित नहीं हुआ, या संविधान संशोधन अधिनियम आया वो पारित नहीं हुआ, ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं हुआ, लेट अस सपोज कर लेते हैं। ऐसे में मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ जाएगा? इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर है? और सरकार जैसे ही मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा वैसे ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है कि अगर धन विधेयक पास ना हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, यह बात किसमें लिखी हुई है? नहीं लिखी है। बड़ी बात यही है कि नहीं लिखी है, या एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? धन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ गया, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? 110। यह बात भी किसी अनुच्छेद में नहीं लिखी हुई, मेरी बात समझ? यह परंपरा के तौर पर फॉलो हो रही है, और यह बात मैंने तुम्हें लिखवाई भी हुई है, कहीं पर लिखवाई भी, एक बार देख लेना, है ना, ये सब हो चुका है, एक बार नहीं लिखवाया था संवैधानिक परंपरा के रूप में, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें संविधान में उल्लिखित है और कुछ चीजें संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए लागू की जा रही है, चलाई जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान संशोधन अधिनियम आया और वो पास हो गया दोनों सदनों से,
और सदन से पास होने के पास राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ गया, करना ही पड़ेगा ना उस पर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो या किसी तरह की वीटो की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? या किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 368 में यह लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ आई? मेरा कहने का यह मतलब है कुछ चीजें उल्लिखित है संविधान में और कुछ चीजों को परंपरागत तौर पर हाँ अपनाया गया है या अनुसरण उसका अभी भी किया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोली हुई है कि संवैधानिक परंपराओं का पालन करना होगा और यदि देश में किसी संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन हो रहा है तो गवर्नमेंट को यानी सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को यानी कि कार्यपालिका को क्या देना पड़ेगा? स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर उस संवैधानिक परंपरा को तोड़ने की नौबत क्यों आ गई। नहीं समझे बात? अरे बोलो, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? केयर टेकर गवर्नमेंट वाली बात लिखी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सपोज किसी को बोली दिया तो है ना, तो क्या ही वापस नहीं ले रहे। लेट अस सपोज, हम एक बार सपोज कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उन्हें किसी इलेक्शन में हार मिल जाती। लेट अस सपोज, हमने सपोज कर लिया किसी इलेक्शन में हार मिल गई। अब हार मिलने के बाद है ना, उन्होंने मना कर दिया, कहेगा कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल नहीं निभाएंगे, देश की जनता पर हमें, देश की जनता को हम पर विश्वास नहीं, हम पर उल्टे सीधे या हम पे सीधे ही या उल्टे ही हम पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हमें यह बर्दाश्त नहीं है, तो हम केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में व्यवस्था नहीं चलाएंगे। कोई भी संविधान का अनुच्छेद हमें इस बात के लिए बाध्य नहीं करता है कि जो पुरानी सरकार है वो नई सरकार के आने तक त्रिशंकु सरकार बनकर रहे। क्या मतलब क्लियर है? क्योंकि अनुच्छेद में लिखा नहीं है इसलिए बाध्यता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में? कम से कम लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली समझते हो ना, है ना, लॉफुली यानी कि कानूनन बाइंडिंग नहीं, कानून बाध्यता। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो ऐसे में लेट अस सपोज उन्होंने कहा हम किसी भी रूप में नहीं चलाएंगे, हमारे सारे मंत्रिपरिषद चले गए हैं, सब नाराज हो गए हैं, है ना, और कोई भी सरकार चलाने के लिए त्रिशंकु सरकार 10-12 दिन की सरकार में क्या चलाए, हम नहीं चलाएंगे, किसी और को रख लीजिए। तो ऐसे में प्रेसिडेंट की ड्यूटी है ना, ऐसे में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इनमें से किसी को भी, उसी पार्टी, जीती हुई पार्टी या किसी को भी जिसे वो उचित समझता है, उसे 10-12 दिन के प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं त्रिशंकु सरकार चलाने के। क्या मेरी बात सुन रही? यह बात कहाँ लिखी है? यह बात भी कहीं नहीं लिखी हुई है, यह परंपरागत तौर पर ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। अगर अपने यहाँ कभी ऐसा हुआ तो यही फॉलो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात क्लियर है? मैं एक चीज बोल रहा हूँ दोबारा कि ऐसा नहीं कि बाध्य नहीं है, बाध्यता है इसकी, लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं। ठीक है, परंपराओं को परंपराएं ऐसे ही नहीं तोड़ी जा सकती, कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए उन्हें बदलने के पीछे। क्या हमेशा से बजट नाम सुना तुम लोगों ने, है ना, क्या हमेशा से बजट जो है वो 21 जनवरी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया था, जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में प्रस्तुत किया था? नहीं, पहले कब प्रस्तुत किया था पता है? 23 जुलाई? नहीं, मई जून से। बजट का प्रस्तुतिकरण कब होता है संसद में? किस मंथ में ही होता है सर? अभी की बात नहीं करो, अभी अच्छा तुम लोग 23 जुलाई की बात कर रहे हो इस बार की? अरे इस बार तो इलेक्शन था ना, इस बार की बात नहीं करेंगे, सामान्य तौर की बात करेंगे। 5 जुलाई मार्च में, पहले बजट जो है वो मार्च में स्टार्ट हो रहा था, मतलब मार्च पे उसका डिस्कशन 1 मार्च में स्टार्ट हो जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि यह माना जाता है, शायद पता भी होगा, कि अप्रैल से लेकर पूरा नेक्स्ट मार्च तक एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। क्या एक सरकारी या वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक माना जाता है, तो उस हिसाब से मार्च भर बजट डिस्कशन होगा, अप्रैल के पहले पास कर लिया जाएगा और अब जो खर्चा अगले साल का चलना है वो उसी के अनुसार स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस संवैधानिक परंपरा का अनुसरण
पिछले 30-40-50 सालों से जब से भी बजट बन रहा था तब से हो रहा था, 40-50 साल से नहीं, 100-150 साल से हो रहा था, क्या वो क्लियर, ब्रिटिश काल से हो रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन अभी हाल ही में इसमें बदलाव कर दिया गया, क्या किया गया, हाँ अब फरवरी में स्टार्ट कर दिया गया, फरवरी के पहले या 31 जनवरी से या 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, और उसके बाद तुरंत अगले दिन बजट आता है, क्या मेरी बात क्लियर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि बजट डिस्कशन और बजट अलॉटमेंट, जो पैसा मिलना है मंत्रालयों को विभिन्न स्कीम योजनाएं चलाने के लिए, उसमें दिक्कत ना आए। क्योंकि मार्च में इतना कम टाइम था कि एक ही महीने में डिस्कशन भी करना है, एक ही महीने में पैसा भी अलॉट करना है, उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था, अक्सर दिक्कतें होती थी। तो यह एक परंपरा जो पहले चली आ रही थी वो अभी हाल ही में 5-6 साल में तोड़ दी गई, मेरी बात समझ में। और जब कोई संवैधानिक परंपरा तोड़ी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या मांगेगा, उसका स्पष्टीकरण कि यह संवैधानिक परंपरा तो पिछले 100 सालों से चली आ रही थी, और संविधान में तो लिखित नहीं है कब पेश होना है, संविधान में तो अलग से लिखित नहीं कि किस तारीख को पेश होगा या कब पेश होगा, लेकिन इसे आपने तोड़ा क्यों, ये कारण बताइए। उस समय सरकार को अपनी ओर से प्रॉपर, समझ रहे हो ना, पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ा था, पूरी तरह से पूर्ण जस्टिफिकेशन, कि आखिर उन्होंने क्यों मार्च की जगह पर फरवरी में बजट प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब किया बजट को पेश करना मार्च या फरवरी में स्टार्ट कर, क्यों स्टार्ट कर दिया, पूरा प्रॉपर सरकार को पूरा उत्तर देना पड़ा, जबकि संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है कि इस बजट को किस मंथ में पास किया जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या मेरी बात समझ। तो जब भी परंपराएं तोड़ी जाती हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए और प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यानी कि अपना स्पष्टीकरण, अपना नजरिया रखे कि आखिर क्यों वो इस परंपरा का अवहेलना कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है। तो कुछ संवैधानिक परंपराएं के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक, एक पॉइंट कल का बाकी है, वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आज बात करेंगे, ठीक है, चलो लिखोगे, जो कि इससे ही रिलेटेड है, इससे बहुत अलग नहीं है, इससे से रिलेटेड है। हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, शायद जर्मन अवधारणा लिखी थी हमने, आगे तो समझ में आ गया था वो, क्या जर्मन अवधारणा जो लिखी थी हमने, क्या वो पूरी समझ में आ गई थी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, रिटन वाले पेपर में, मेंस वाले में, कि संसदीय अच्छा व्यवस्था अच्छी है या अध्यक्षीय व्यवस्था है ना, तो आपका तो जो मन करे वो लिखो, लेकिन अच्छा अच्छा नंबर चाहते हो सच में तो संसदीय व्यवस्था लिखना, मेरी बात समझ में। और उसकी खामियों को बताते हुए हमें यह लिखना होता है कि उसकी खामियों को दूर करने के लिए क्या और उपाय किया जा सकता है, नहीं समझे बात, अरे बोलो, नहीं समझाई बात, आगे पकड़ो। तो एक उपाय उनमें से जर्मन अवधारणा में निकाली, जहां पर क्या किया जा रहा है, दो प्रस्तावों को एक साथ पास किया जा रहा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव रचनात्मक तरीके का, यानी अविश्वास प्रस्ताव तो आया, सरकार गिरी, और एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था उसी अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ कर दी गई है ना। ऐसे में दो प्रस्ताव साथ साथ आते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव और एक विपक्षी दल के प्रति विश्वास प्रस्ताव, क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सरकार गिरा दी और इसके फेवर में वोट नहीं दिया, मेरी बात समझ में, अगर इसके समर्थन में वोट नहीं दिया, तो ऐसे में देश में तो कोई सरकार ही नहीं जाएगी, देश में कोलाहल का माहौल हो जाएगा, दोबारा से चुनाव करवाना पड़ जाएगा। इसलिए राजनीतिक स्थिरता का ध्यान रखते हुए क्या किया जाता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो गया है ना, तो ये देखा रहता है विश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के समर्थन में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के समर्थन में नहीं पास हो रहा है तो नई सरकार को मौका नहीं दिया जाएगा, पुरानी वाली अपने काम कंटिन्यू करेगी, निरंतर बनाए रखेगी, क्या मेरी बात क्लियर है। यह मान लिया जाएगा कि एक बेहतर विकल्प का अभाव, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है। कल लिखा था ना इस बारे में, इतने चौके में क्यों लग रहे हो, पढ़ के आओ कि नहीं आया, कल तो इस बारे में बात की थी ना हम लोगों ने, चलो ठीक है, डर लग जाता तो मुझे याद ही नहीं, जर्मन अवधारणा है ना, हम अपनी ओर से बताएंगे,
हमसे पूछा जाएगा कि संसदीय व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए क्या करें, तो कुछ एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल ये दिया था, एक और एग्जाम्पल दिया, एक और उदाहरण दिया था, खामियों बैटरी डिफेक्शन वाला शायद दिया था कि हमारे यहाँ की एक खामी है हॉल स्टडी की, है ना, हॉल स्टडी की, उसे दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन आ गया है उसी को। अब लेकिन अभी जो एंटी डिफेक्शन आया है उसकी परेशानी क्या है, कल बात हुई थी, थोड़ी सी बात हुई थी, अभी हम एंटी डिफेक्शन के बारे में दल बदल कानून के बारे में अभी हम पूरे विस्तार में चर्चा करेंगे, क्या मेरी बात समझ में, बहुत परेशान मत होना। लेकिन क्योंकि वो अनुसूची का भाग है ना, इसलिए उसे अनुसूची में पढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि इसके मामले में जब कोई सांसद अपना दल बदल रहा होता है तो इसके मामले में सारा का सारा अधिकार स्पीकर के पास आरक्षित है, संरक्षित है, और अगर स्पीकर भी उसी पार्टी का हुआ है ना, तो क्या वो ऐसा करेगा, नहीं करेगा, मेरी बात नहीं करना चाहिए। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है ना, यह सब बात है, लेकिन यह सब बात लिखित ज्यादा है और प्रैक्टिस में नहीं है, क्या मेरी बात समझाई। अरे बोलो, क्या आप आईएएस बनते ही बस्ती को भूल जाओगे, क्या आपने घर परिवार दोस्तों को भूल जाओगे, क्या आपने शिक्षकों को भूल जाओगे, एकदम भूल जाना पड़ेगा, नहीं समझे बात। एक असल आईएएस ऑफिसर किसी शिक्षक, अगर कोई शिक्षक गलत किया, मान लो लेटर सपोज मैं 10 रुपए की चोरी पकड़ा गया, आराध्या आईएएस बन गई, लेटर सपोज ये आईपीएस बनी है, आज कपड़े भी पहन के आई है, ठीक है, ये आईपीएस बन गई है, इसके सामने मेरा केस गया, ठीक है, और मैं इसका शिक्षक हूँ, आईपीएस बन गई है, इसके पास पूरी अथॉरिटी है कि मुझे सजा दे दे, तो क्या ऐसे नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, क्या मेरी बात सुनाई। एथिक्स में क्वेश्चन आता है ऐसे फंसा के पूछेंगे वो, और बहुत ज्यादा गमगीन बना देंगे तुम्हें, ठीक है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पता है आपका शिक्षक एकदम परेशान है ना, पैसा सा जा चुका है, एकदम मंटली पागल हो चुका है ना, आपको पढ़ा के आईएएस वही बनाया था, मेरी बात सुनाई, और आप आईएएस हैं, उसने 10 रुपए की चोरी पकड़ा गया, आप क्या करेंगे। वो बात सही है, मेंटल डिप्रेशन है, वो उसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना, मेंटल पागल हो गए, वो तो बात अलग है, बताओ उसके साथ ही वही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा सबके लिए, क्या मेरी बात क्लियर है, नहीं समझे बात, समझ में आ गया, चलो किसका आंसर निकलता है। अरे इस सब का आंसर नहीं होता है, इस सब का आंसर आपके लिए पर निर्भर करता है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। एथिक्स के क्वेश्चंस का ना, एथिक्स के और इंटरव्यू के क्वेश्चन का, एथिक्स और इंटरव्यू के क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, समझ में आ गया, चलो नोट करना स्टार्ट करते हैं। चौथा पॉइंट कितने पॉइंट हमने लिखे हैं ना, इसे बताओ, चलो नहीं हो सकता है,
ठीक है। दूसरी खामी, इसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं, क्या दिक्कत है? राजनैतिक दल बदल, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्या आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं? क्या विचारधारा आपका चल रहा है किसी पार्टी की? क्या पार्टी की विचारधारा जिससे आप क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंस होकर, जिससे आप प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किए हुए थे, है ना? आप बोलते हैं ना कि पार्टी इसलिए ज्वाइन किया इसकी और हमारी विचारधारा बोलती है, क्या रात रात वो बदल जा रही है? नहीं। क्यों हो रही है? निजी प्रलोभनों के चलते। क्या नहीं बात क्लियर है? किसी ने बोला हम आपको मर्सिडीज देंगे, कोई बोल रहा है मर्सिडीज देंगे और एक बंगला भी दे देंगे, क्या नहीं बात क्लियर है? वो दूसरा बोल रहा है कि हम आपको एक आईलैंड खरीद के दे दे रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है। चौथा बोल रहे हैं हम आपके नाम का एक मंदिर ही खुलवा दे रहे हैं, बात ही खत्म, आपकी मूर्ति लगवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या पाए और क्या ना कर दें सरकार बनाने के चक्कर में, क्या पाए और क्या ना कर दें, करोड़ों करोड़ों रुपए का होता है घोटाला, पता ही है घोटाला नहीं, हाँ मंत्रियों की, सॉरी मंत्री भी नहीं बोल सकते, सांसदों की खरीद फरोख्त, क्या नहीं बात क्लियर है? और सांसदों की खरीद फरोख्त यानी कि इस तरह के निजी प्रलोभनों के चलते सरकार क्या स्थिर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और क्या विचारधारा के इतनी मंत्रियों की जेब में आती है? हाँ, आज सुबह उठे तो है ना बीजेपी में उठे हैं, है ना, दिन का खाना खा रहे हैं तो कांग्रेस में आ गए, और रात आते आते बहुजन समाजवादी या कोई ज्वाइन कर लिया, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे एक बार तो हद हो गई थी 1985-84 के टाइम पर, तभी वो तभी वो नाम ही आया है, उस नाम को बोलते हैं, उस नारे को बोलते हैं आया राम गया राम। आया राम गया राम की सरकार, मतलब ये होता है कि एक एमपी थे वो सुबह किसी और पार्टी में है, दिन में किसी और पार्टी में, रात में किसी और पार्टी में आ रहे हैं, मेरी बात सुनाई? ऐसे एक दो तीन बार हो गया। अब बताइए एमपी अपनी पार्टी चेंज करते रहेंगे तो क्या राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी? सरकार कभी भी नहीं गिर जाएगी, क्या मेरी बात क्लियर है? सरकार गिर जाएगी और अपने यहाँ दोबारा चुनाव कराना पड़ गया तो क्या देश के ऊपर खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? अरे बोलो, क्या हम अपने राजनेताओं से, अपने सांसदों से इतनी उम्मीद नहीं रख सकते कि इतने आराम से तो कम से कम अपने दल को ना बदले, क्या मेरी बात क्लियर? निजी प्रलोभन के चलते। तो ये दूसरी बड़ी परेशानी है संसदीय व्यवस्था की, तो नोट करोगे? नोट करो, देखो राजनीतिक दल बदल, राजनीतिक दल बदल और राजनीतिक दल बदल और हॉर्स ट्रेडिंग, लिख लो, हॉर्स ट्रेडिंग इंग्लिश में ही लिख लो, थोड़ा सा इसका कोई हिंदी वर्ड होता नहीं है, ऐसे ही लिखा है। अभी जल्दी ये टर्म बहुत फेमस होता है, इंग्लिश में भी ऐसे, हिंदी में भी ऐसे ही होता है, हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब तो होता है घोड़ों की खरीद करो, लेकिन किस सेंस में यूज होता है? जब पर्दे के पीछे राजनेता आपसी सांठ गांठ के लिए कोई काम करते हैं, है ना, निजी प्रलोभन चलते कोई काम कर रहे हैं, कोई स्टेप दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग, क्या मेरी बात समझ आगे? कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोले क्या देखा? राजनीतिक दल बदल या हॉर्स ट्रेडिंग या और हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग विधायिका के सदस्यों के बीच में, विधायिका के सदस्यों के बीच में, विधायिका के सदस्यों के बीच में काफी सामान्य है, काफी सामान्य है, काफी सामान्य है, जिसकी वजह से नागरिकों के साथ किसी प्रकार का छल धोखा हो सकता है। भाई आपने अपने एमपी को, अपने सांसद को इसलिए वोट कर दिया
क्योंकि वह अमुक पार्टी का अमुक नेता है, वह अमुक पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वह अमुक नेता अपनी पार्टी को बदल दिया रातों रात। तो यह आपके साथ नहीं हो गया क्या? वह आपके प्रति वफादार है? नहीं है ना, आपके प्रति लॉयल नहीं। कई सारे लोगों ने ऐसे वोट किया होगा, उन्होंने पार्टी को समझ के वोट कर दिया, क्या मेरा क्लियर है? और उसने अपनी पार्टी को रातों रात बदल दिया बिना हमसे कुछ जाने समझे या बिना किसी बड़े कारण के, क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सांसद है एक तरह का छल या दिखावा कहीं ना कहीं उनके साथ भी कर रहे होते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे लिखेंगे, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में ऐसा है कि ये लिख लेते हैं, संसदीय व्यवस्था में या इसका प्रभाव क्या है लिख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद अपने खुद के राजनैतिक भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहता है। क्योंकि उन्हें राजनीतिक अस्थिरता का लगातार राजनीतिक अस्थिरता लिखो ना, अस्थिरता लिखो, मैं अस्थिरता की बात कर रहा हूं, राजनीतिक अस्थिरता का लगातार डर बना रहता है, जिसकी वजह से वो कई बार कैसे डिसीजन लेंगे, लोकप्रिय निर्णय, जिसकी वजह से वो कई बार लोकप्रिय निर्णय लोकप्रिय निर्णय ले लेते हैं लोकप्रिय निर्णय लेते हैं जो जो राष्ट्रहित से जो राष्ट्रहित या संवैधानिक मूल्यों से अलग भी हो सकता है। इतने साफ सीधे शब्दों में लिखवा दिया, समझ आ गया मेरी बात से? एक बार पढ़ लो, लिखा क्या, लिखवाने की कोशिश की समझा तुमने, क्या लिखवाने की कोशिश की है कि एक लोकप्रिय निर्णय सबको 5,000 रुपए अकाउंट में और बढ़ा लेते हैं, 5,00,000 देते हैं, एक लोकप्रिय निर्णय है, देश की सरकार से देश की जनता एकदम खुश। इस लोकप्रिय निर्णय के बाद देश की सरकार से देश की जनता एकदम खुश, सबके अकाउंट में कितने आ गए, 5,00,000 रुपए आ गए, नहीं समझे बात? अरे बोलो, ठीक है। ऐसे में क्या इस लोकप्रिय निर्णय से क्या देश की अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी? चरमरा जाएगी, क्या मेरी बात सुनाई? अगर सबके अकाउंट में बिना कुछ मेहनत किए 5,00,000 रुपए पहुंच जाएंगे तो डिमांड में सप्लाई का नियम जानते हो कि नहीं जानते हो, मांग और आपूर्ति का नियम, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर है? सेब इतना ही है, सामान इतना ही है मार्केट में और सबके अकाउंट में 5,00,000 रुपए, क्या मेरी बात क्लियर है? महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी, उसी वक्त महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि
मेरी बात समझ, सेब का दाम पहले 100 रुपए था लेकिन सबके पास 100 बड़े आराम से रुपए, क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब मैं 100 रुपए वाले को क्यों दूंगा सेब? मैं बोलूंगा जिसके पास 500 रुपए है उसे सेब दूंगा, मैं और लगा दूंगा जब दो ही लोग। और इस सेब को खाए बिना बेटा सपोज कि तुम्हारे तुम्हारे काम नहीं बन रहा है या कुछ, बहुत सेब की जगह कोई एसेंशियल चीज मान लो जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसका दाम आसमान नहीं छूने लगेगा, सबके पास उतने ही पैसे हैं, यानी कि मांग ज्यादा है, लेकिन क्या मांग के ज्यादा होने से क्या आपूर्ति भी ज्यादा बढ़ाती है? और अगर मांग और आपूर्ति में इस तरह का अंतर है कि मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तो महंगाई बढ़ जाती है, आपूर्ति है नहीं, ठीक है, मांगी मांग हो रही है, आपूर्ति है नहीं, ऐसे में चीजों का दाम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत हाई रेट पहुंच जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर? अरे बोलो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलना जाएगी, यह एक तरह से राष्ट्र विरोधी स्टेप तो है, लेकिन क्या लोग मना कर पाएंगे? अभी तुम ही लोग से बोलो कि सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए पहुंच जाए, कोई मना करेगा? कितने लोग मना कर रहे हैं? कोई मना नहीं कर, अरे दीदी मैं राष्ट्र विरोधी निर्णय है भाई, फिर भी मना नहीं करोगे, क्या मेरी बात समझ? तो कई बार लोकप्रिय निर्णय क्या राष्ट्रहित में होते हैं? नहीं होते हैं। बॉर्डर का डिसीजन लेना है, बॉर्डर पे रक्षा करनी है, तो क्यों हम अपने आप में रखें, क्यों हम अपने भाइयों और बेटों का लॉस करें, क्यों नहीं बाहर से किसी को रख लेते हैं? ऐसा एक बिल ले आ गया है ना, लोगों को बहुत मजा आया इसमें, लोग कह रहे हाँ यार बॉर्डर की रक्षा भी होती रहेगी और यह अंग्रेज हमारे बॉर्डर की रक्षा, समझ लो ना बॉर्डर, हमारे बॉर्डर की रक्षा भी करेंगे और हमारे बिहाफ पर या हमारे लिए पाकिस्तानियों से और चीनों से लड़ रहे होंगे और हमारे बेटे और हमारे भाई हमारे घरों में सुरक्षित रहेंगे, उनकी जान नहीं जाएगी, क्या मेरी बात समझ आई? निर्णय लोकप्रिय जैसा लग रहा है, किसी की जान नहीं जाएगी, कोई सोल्जर नहीं बना है इंडिया में, क्या राष्ट्रहित में है? नहीं है। ऐसा एक बार हो चुका है ना, याद दिला रहा हूं लोगों, मेरी बात समझ, ऐसा एक बार हो चुका है, सब्सिडियरी अलायंस, तुम लोगों ने नाम सुना है हिंदी में क्या बोलते हैं? जो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, सहायक संधि, सहायक संधि नाम सुना है ना, यही देखो, यही सेम चीज थी, क्या मेरी बात क्लियर है? लोकप्रियता अलग चीज होती है और राष्ट्र हित अलग चीज होता है, और लोकप्रियता के आधार पर सरकार ने निर्णय ले लिया क्योंकि उसे राजनीतिक अस्थिरता का डर है, क्योंकि उसे यह डर है कि अगर लोकप्रिय निर्णय पर साथ नहीं देगी तो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सरकार पर हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में कभी कभी देश विरोधी या लोकतांत्रिक मूल्यों से इतर निर्णय भी ले लिए जाते हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है लेकिन लिए जाते हैं, उन पर चर्चा हो जाती है, यही खराब बात है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या यह खामी नहीं है संसदीय व्यवस्था की? संसदीय व्यवस्था में जब सरकार की, जब सरकार के पास कोई कार्यकाल ही नहीं है 5 साल का, सरकार आज है और कल नहीं, ठीक है, सांसदों का कार्यकाल होता है, सरकार का कोई कार्यकाल है नहीं, तो सरकार आज है कल नहीं, तो क्या वो लोकप्रिय निर्णय नहीं लगी? लोकप्रिय निर्णय लेगी। अच्छा तो इस मामले से है कि हाँ लोकतंत्र तो सुरक्षित है, लोकप्रिय निर्णय लेने भी चाहिए जो लोगों को पसंद है, भाई वही सरकार चला रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोकप्रिय निर्णय, क्योंकि हर एक इंसान का देखने का नजरिया, समझने का नजरिया है ना, समझ रहे ना, एक ही तरह का नहीं होता है, कई बार उससे राष्ट्र विरोधी कोई काम हो सकता है या संवैधानिक जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका क्षरण हो सकता है, क्या मेरी बात क्लियर है? यह संसदीय व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है, सबसे बड़ी खामी, क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता को बचाए रखने के चक्कर में किसी भी तरह के लोकप्रिय निर्णय ले लिए जाएंगे जो कि अंततः हो सकता है राष्ट्र विरोधी या लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करने वाले, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करोगे क्या लिखा, क्या लिखा आगे? अच्छा लिख लिया ना चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है आगे लिखोगे।
आगे लिखोगे देखो संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर होने की वजह से विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर होने की वजह से विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका में कैसे है कि लोकसभा जब चाहेगी सरकार को गिरा देगी, ठीक है, समर्थन नहीं देगी सांसद तो सरकार गिर जाएगी, मंत्रिपरिषद को हटना पड़ेगा। क्या लिखा? संसदीय होने की वजह से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है और मत देखिए लेकिन और मत देखिए और काट दीजिए देखिए लेकिन 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 वास्तविक रूप से ऐसा देखा गया है यह नियंत्रण महज एक भ्रम की स्थिति है। यह नियंत्रण महज एक भ्रम है और असलियत में या असल में कार्यपालिका ही लोकसभा को प्रभावित कर रही होती है और अपने अनुसार विधेयकों को ला रही होती है। विधेयक विधायक पत्र लिख लेना, लिख दूं मैं बिल है ना, विधेयक विधेयक को ला रही होती है, ठीक। पहले विधि से क्या लिखा हुआ है, पहले विधि से क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असल में तो ऐसा लग रहा है ना कि लोकसभा से ही कार्यपालिका बनी हुई है ना, तो लोकसभा का समर्थन नहीं देगी तो कार्यपालिका गिर जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन भैया एक ही पार्टी की मेजोरिटी हो रही होती है लोकसभा में सामान्यता, या एक गठबंधन की मेजोरिटी हो रही होती है, और वो कभी भी किसी भी हाल में अपने सरकार के प्रति अपने मंत्रिपरिषद के खिलाफ वोट नहीं करते हैं। यानी सरकार गिरने की स्थिति बड़ी कम होती है, तभी होती है जब निजी प्रलोभनों की वजह से फॉर स्टैंडिंग हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में विधेयक बनाना चाहिए था लोकसभा को, विधायिका के दो भाग, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन बिल बनाना किसे चाहिए था? बिल विधान लिखने का काम किसका था? विधायिका का। पेश करने का काम भी विधायिका, कार्यपालिका का काम क्या था, भूल गए क्या? कार्यपालिका का क्या काम है? लागू करने का काम है। केवल क्या काम है कार्यपालिका का? लागू करने का काम है। विधायिका का काम है विधानों को लिखना। मेरी बात समझ में? कौन सा बिल पेश हो रहा है, कौन सा बिल नहीं पेश हो रहा है, यह सब काम तो विधायिका को होना चाहिए था। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन असल में वास्तविक रूप में यह काम अब कौन करना होता है? कार्यपालिका के वही मंत्री जो कि विधायिका से कार्यपालिका में आए,
एक बिल बनाएंगे, अपने अनुसार कोई नीति निर्माण करेंगे, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री अगर है बना हुआ मंत्रिपरिषद में उसी सूचना का प्रसार कर दिया जाएगा, नीति या उसी निर्णय का प्रसार कर दिया जाएगा और सारे मंत्री उस निर्णय को समर्थन दे रहे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद सारे सांसदों को अपनी पार्टी के सांसदों को बता दिया जाएगा कि भैया इस दिन इस टॉपिक पर इस मुद्दे पर वोटिंग होनी है, कृपया करके उपस्थित रहिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल गिरने ना पाए, अदरवाइज सरकार गिर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस वजह से एक तरह से देखा जाए तो कार्यपालिका नियंत्रण कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो बिल बनाने का काम करना चाहिए था विधायिका को, लेकिन किया किसने? कार्यपालिका, उन मंत्रियों ने जो कि विधायिका से कार्यपालिका में आ गए। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पाए बात? वास्तविक रूप से जो लिखित संविधान जो भी हमारा है उसके अनुसार तो विधायिका का पूरा कंट्रोल होना चाहिए कार्यपालिका पर, स्पेशली लोकसभा पर होना चाहिए मंत्रिपरिषद पर, क्योंकि लोकसभा चाहे तो मंत्रिपरिषद को गिरा दे, अपना समर्थन खींच ले, मंत्री अगले दिन से मंत्री ना रह जाए। सरकार के गिरने के बाद, मैं समझा चुका हूं, सरकार के गिरने के बाद मंत्री मंत्री नहीं रहता है लेकिन सांसद सांसद रहता है, क्योंकि सांसदों का चुनाव किसी सरकार या किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। किसने किया है? देश की जनता ने किया है। क्या यह एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है कि सरकार गिरने के बाद भी सांसद सांसद बना होगा? क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि प्रैक्टिस में असल में क्या हो रहा है, कार्यपालिका जो है वो बड़ा बंदर आ गया जी। कार्यपालिका जो है वो नियम कानून, अरे सॉरी, विधायिका को कंट्रोल कर रही है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका को नियंत्रण में रख रही है, जबकि असल में लिखित संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? विधायिका का कंट्रोल, विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए देखिए जल्दी समझने के लिए धन्यवाद। लिखिए ये बात भी समझ में आ गई मेरे ख्याल से, तो प्रेजेंटेशन में जमा देते हैं। लिखिएगा अध्यक्षीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में अब लिखेंगे। अब देखो सब सारी बात मैंने बोल दी है, सारी बात समझा चुका हूं, अब लिखना ही लिखना है, लिखोगे ठीक है। अध्यक्षीय व्यवस्था में सरकार के मुखिया, सरकार के मुखिया को मंत्रियों को चुनने की, मंत्रियों को स्वेच्छा से चुनने की, मंत्रियों को स्वेच्छा से चुनने की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसकी वजह से ऐसा मुखिया नागरिकों में से ही विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को संबंधित मंत्रालय के, संबंधित मंत्रालय के मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, संबंधित मंत्रालय के मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? किस व्यवस्था में कर सकता है? अध्यक्षीय संसदीय, अरे पढ़ लो एक बार, अध्यक्षीय संसदीय, अध्यक्षीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया पूरी तरह से स्वतंत्र है कि जितने भी नागरिक हैं, भले ही वो सांसद ना हो, भले ही वो किसी भी रूप से विधायिका का भाग ना हो, लेकिन फिर भी उनमें से जो भी अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में एक्सपर्ट है, उसे हम वो मंत्रालय का कार्यभार दे दें। क्या मेरी बात समझाई? नहीं समझाई बात? समझ में आ गया? आगे बढ़ करोगे? देखो
जबकि संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है या नहीं चुना जाता सरकार का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री। क्या तुम लोग चुनते हो? तुम्हें लग रहा है तुम लोग चुनता है? असल में तुम पार्टी को लोकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हो। क्या मेरी बात सुन नहीं? कभी चुनाव में गए हो? अब इस बार जाओगे? मेरी बात सुन नहीं? हाँ, एक बंदा गया, हर बार हाथ मिलता था। बाकी लोग चुनाव में तो जाओगे अपना, अगले दो चार साल में तो जाओगे। क्या मेरी बात सुन नहीं? तो उसमें क्या पार्टी का नाम या सरकार के मुखिया का नाम लिखा होता है? नहीं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखा होता है, जनप्रतिनिधि सांसद का नाम लिखा रहेगा, विधायक का नाम लिखा रहेगा। क्या मेरी बात सुन नहीं? उनके नाम पर हम वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सरकार का मुखिया का चयन हम नहीं कर रहे, हमारे द्वारा चुने गए सांसद जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का मुखिया सरकार का मुखिया सामान्य तौर पर बनता है। कोई जरूरी नहीं कि वही बन जाए। उस कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की मुखिया कौन थी? सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री कौन बना? मनमोहन सिंह। कैसे संभव हुआ? क्योंकि सरकार का मुखिया के पास वो पावर रहेगी कि किसी अन्य को मुख्यमंत्री पद पर, सॉरी, प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दे, नियुक्त कर दे। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी सरकार का मुखिया का चुनाव हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? उस पार्टी के हाथ में है या उस गठबंधन के हाथ में है जिसकी सर्वाधिक सीटें, जिसके सर्वाधिक सांसद उपलब्ध है संसद में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, लिखते हैं। मुझे लगता है ये भी पॉइंट बता दो, वो भी पॉइंट बता दो। लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। आगे लिखोगे और लोगों द्वारा केवल संसद के सदस्य ब्रैकेट में जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और इसी वजह से नागरिक कभी कभी मतदान के वक्त संकीर्णतावाद से ग्रस्त होकर मत कर सकते हैं और
तक भी मत दे सकते हैं। राष्ट्र का देश हित है ना, से इतर इतर समझते हो अलग से इतर भी मत इतर इतर भी समझते इतर मतलब अलग करे मुझे तो हिंदी पढ़ा रहा हमारी हिंदी पहले से स्ट्रांग है। इतर यानी अलग इतर नहीं है इतर यानी अलग होता है। राष्ट्र से इतर भी मत व्यक्त कर सकते हैं या दे सकते हैं। भैया कैसे हो सकता है बताओ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना है मुझे। दो एमपी है, है ना, एमपी को तुम क्या सोच के वोट कर सकते हो? क्षेत्रीय क्षेत्र से क्षेत्र से संबंधित है या तो क्षेत्र से संबंधित अपनी जाति जाति से संबंधित अपनी भाषा से संबंधित। एक तमिलनाडु का आदमी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करके आया है, यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव रहा है बहुत समय से, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष रहा है, बड़ी बड़ी पाली है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव रहा है बहुत दिनों तक। वो आ गया बस्ती में और बस्ती में एक तुम्हारा दोस्त है वो भी खड़ा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। क्या मेरी बात सुनाई? इसने तुम्हारे दिवाली में इसने दिवाली में तुम्हारे घर पे लहसुन बम फोड़े और तुम्हारे साथ ही गुजिया खाई है होली पर। क्या मेरी बात सुनाई? अब तुम बताओ झूठ बोलना, तुम वोट किसे दोगे? अपने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर को जिसे तुमने कसम रखाई थी मुझे वोट देना, भाई तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हें पता है बड़ा बदमाश आदमी, तुम्हें पता है एक भी काम नहीं करेगा, पहले से ही करप्शन की बात करता है कि यार मैं बन जाऊंगा तुम्हें भी एक फॉर्चुनर दूंगा। क्या मेरी बात सुन भाई? तुम भी मेरे साथ घूमना था फॉर्चुनर पर, ठीक है? ये अच्छा आदमी है, इसने विश्व शांति समझौते करवाए हैं, विश्व में बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए इसने, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था, इसने कुछ समझौता निकाल के रुकवा दिया, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम्हें अपने दोस्त से मतलब। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों नहीं विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम वोट किसे करोगे? अपने दोस्त, है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले को करोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? जिससे दीर्घ काल से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, जिसके साथ एक ही थाली में बैठी खाई है। क्या मेरी बात सुनाई? तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग वोट करते वक्त यही सब ध्यान रखते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अपना धर्म, अपनी जाति, अपने लोग, अपनी नस्ल, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपना क्षेत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? लोग वोट करते वक्त ये सब ध्यान रखते, ये नहीं सोचते कि कौन आदमी यहां पर विकास कर सकता है और कौन आदमी बस लूटने खसोटने के चक्कर में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक बड़ा राष्ट्र हित का जो नेशनल पर्सपेक्टिव, समझ लो ना, एक जो नजरिया है राष्ट्र के रूप से, आप भाई आप एमपी को ले रहे हो, वो आगे चल के संसद में जाएगा, संसद में डिसीजन करेगा, है ना। ये दोस्त बोल रहा है कि ऐसा है थोड़ी सी जमीन चाइना को दे ही देते हैं, क्या नुकसान है? मेरी बात समझ? एक आदमी जो तुम्हारा दोस्त है वो बोल रहा है, उसका नजरिया ये है, अरे थोड़ी सी दो चार बीघा जमीन अगर चाइना ले ही जाए, ठीक है, तो कौन सा हो वहां खेती कर रहा है? क्या मेरी बात क्लियर? ले जाना तुम, ये इस नजरिए का है, ठीक है। लेकिन उसे तुमने अपना दोस्त होने की वजह से वोट कर दिया, तो क्या ऐसे में राष्ट्रहित या लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में नहीं पड़ सकते? पड़ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये भी परेशानी, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है, कि लोग वोट करते वक्त अक्सर ये नहीं सोचते कि सांसदों का चुनाव कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र के हित में बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, केवल अपने लोकल एरिया, केवल अपने क्षेत्र, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, लिखो भी आगे, इसके आगे लिखोगे। हालांकि यदि लोगों को सरकार के मुखिया का चयन प्रत्यक्ष रूप से करना पड़े तो हो सकता है
कि मतदान करते वक्त वह राष्ट्रहित के नजरिए का ध्यान रखता है, वह राष्ट्रहित के नजरिए का ध्यान रखता है। कोई समस्या इसमें? राष्ट्रहित के नजरिए का ध्यान रखें। राष्ट्रहित के नजरिए का ध्यान रखें। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें लोकसभा के एमपी का चुनाव करना था, एमपी बस्ती, एमपी गोंडा, एमपी बहराइच, इन सब का चुनाव करना था। क्या मेरी बात क्लियर है? तुमने अपने यहां पे जो सबसे लोकप्रिय लोग हैं उनका चुनाव कर लिया, लेकिन ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी जाति के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मामलों की इन्हें कोई समझ ना हो सकता है राष्ट्रहित से संबंधित कोई काम ना कर सके, क्योंकि सांसदों का चयन कर रहे हो ना, तो क्षेत्रीय लोकप्रियता के आधार पर सांसदों का चयन कर रहे हो, जिन्हें जिन्हें राष्ट्र की नीतियां बनानी है। क्या मेरी बात समझ? ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला नहीं लग रहा है? राष्ट्र की नीतियां बनाने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र में लोकप्रिय आदमी का चयन कर रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे में यदि लोगों को मौका मिले सीधे हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज करने का, सीधे प्रधानमंत्री को चूज करने का, सरकार के मुखिया को चूज करने का, तो हो सकता है राष्ट्रहित का नजरिया रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? जब वो अपने अपने एमपी को चूज नहीं कर रहे हैं, सीधे सरकार के मुखिया को, बहराइच के लोग, बस्ती के लोग, गोंडा के लोग, गोरखपुर के लोग, सीधे सीधे केवल सरकार के मुखिया के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि देश हित के नजरिए से देश हित का नजरिया मेंटेन रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देश हित के नजरिए से करे, यह सोच करे कि यह आदमी अंतरराष्ट्रीय समाज में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा जाएगा। क्या यह आदमी यूनाइटेड नेशन में जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा, तो हमारे फायदे की कुछ बात करेगा कि नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे वोट देने से क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ेगी या घटेगी? क्या मेरी बात समझ? दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन यह सोच के वोटिंग करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना? तो ये एक परेशानी है संसदीय व्यवस्था में, स्पेशली हमारी परेशानी क्या है कि हम वोट किसे कर रहे हैं, एमपी को। लेकिन परेशानी भी देखो हमारे यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया लोकतंत्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है और गणतंत्र की ओर कम झुका हुआ है, तो हमारे यहाँ यह व्यवस्था इस तरह से है कि राष्ट्र भी तो इन क्षेत्रों से मिलकर बना है, राष्ट्र भी तो इन क्षेत्रों से मिलकर बना है। क्या राष्ट्र में बस्ती भाग नहीं है? क्या राष्ट्र में गोंडा भाग नहीं है? क्या राष्ट्र में गोरखपुर भाग नहीं है? है, ये सभी राष्ट्र का ही भाग है, तो इसीलिए इसमें से जनप्रतिनिधि जरूर पहुंचने चाहिए संसद। क्या मेरी बात क्लियर है? जो इन क्षेत्र की भी बात जो है वो संसद में पहुंचाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात समझ में आ गई? पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते वो अलग बात है, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक गुण है कि जनप्रतिनिधि जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं वह संसद में पहुंचे, है ना, और वह चुने कि हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार का मुखिया कौन होगा। वरना यह व्यवस्था तो मुगल काल में भी चल रही थी, भले ही हेड ऑफ गवर्नमेंट आप चूज नहीं कर रहे थे, भले उसे उसका चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट एक आदमी है, सरकार एक ही आदमी है, शाहजहां, उन्हीं के पास तीन तरह की पावर है, शाहजहां है उनके पास तीन तरह की, तीनों तरह की पावर, तीन तरह की शक्तियां होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों तरह की पावर। और इन्होंने अपने नोबल्स यानी कि अपने अधीनस्थ मंत्रियों का अपॉइंटमेंट नियुक्ति कर दी, और यह मंत्री जो है यह अपने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं या उसकी जो भी परेशानियां वो देख रेख कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच। क्या मेरी बात क्लियर है? शीर्ष से निम्न की ओर आ रहे हैं, यह अप्रोच लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या अच्छा माना है? बॉटम टू टॉप अप्रोच, निम्न से शीर्ष का अप्रोच। क्या मेरी बात क्लियर है? निम्न 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 को सेलेक्ट किया, उन्होंने आगे अपने चुनाव किया, उन्होंने अपने आगे चुनाव किया, और ऐसे में देश की सरकार बन गई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमारे यहां कौन से अप्रोच चलता है? बॉटम टू टॉप, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बॉटम टू टॉप या डाउन टू टॉप अप्रोच चलता है? हमारे यहां टॉप टू डाउन अप्रोच
नहीं चलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में या यूएसए की व्यवस्था में क्या चल रहा था? टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, समझ रहे हो ना? ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर को अपॉइंट किया। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें आपने एमपी बनाए, एमपी में से कौन मिनिस्टर बनेंगे या सरकार का मुखिया डिसाइड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां निम्न स्तर पे चुने गए, नीचे के स्तर पे चुने गए और ऊपर की ओर बढ़ रहे। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो इसे टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप, कहीं लिख लो। टॉप टू डाउन लिखोगे, अध्यक्ष व्यवस्था को डैश करके लिख लो, अध्यक्ष व्यवस्था डैश, क्या लिखेंगे? टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम हिंदी में लिख लेना, ठीक है? शीर्ष से निम्न, शीर्ष से निम्न, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और संसदीय व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था कैसी है? निम्न से शीर्ष, कोई दिक्कत नहीं है? अब एक लाइन अंतिम में, अच्छा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, अब इसके बारे में बात कर ली, थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं 10 मिनट में। एक होता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया संवैधानिक परंपराएं, या फिर क्या बोल सकते हैं संसदीय परंपराएं। जब मैं क्लास में इंटर करूंगा तब तुम गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग बोलोगे, ऐसा किस वेद में, ऐसा किस पुराण में, ऐसा किस एडमिट कार्ड में, ऐसा किस डायरी में, ऐसा किस संविधान में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों कर रहे हो? अरे परंपरा, कल को नहीं करोगे तो मैं क्या ना कुछ कर पाऊंगा? कल को बैठे रह जाओगे, मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, या खड़े होकर चढ़ाने ही लगो, ऐसा भी कर सकते हो, कुछ इशारे करने लगो ऐसे जो बच्चे करते हैं चढ़ाने वाले, तो मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरे पास संविधान का कुछ अस्त्र है? मैं गुस्सा भी रह जाऊंगा, क्या मेरे पास कोई संवैधानिक अस्त्र है? क्या संविधान किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर इस परंपरा का उल्लंघन करोगे तो ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं? नहीं। ठीक उसी तरह संसद में कुछ परंपराएं चली आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? उनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी वो परंपरागत तौर पर फॉलो हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश काल से फॉलो हो रही थी और कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स में भी फॉलो हो रही थी। क्या मेरी बात क्लियर है? और संसद जो हमारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से बहुत क्या है प्रभावित है। क्या मेरी बात क्लियर है? कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों की कॉपी पेस्टिंग होती है, इसी वजह से बहुत सारी परंपराएं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की परंपराएं हैं, जो ब्रिटिश संसद की परंपराएं हैं, वो भारत में भी अनुसरण किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बारे में दो चार बातें हम शायद कर ली है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख ले कुछ इसके बारे में, लिखोगे परंपराएं, ये लिखा हेरिटेज वाले तुमने, क्या लिखा है? संसदीय परंपराएं, संसदीय परंपराएं, संसदीय परंपराएं लिखोगे, परंपराएं वो अलिखित नियम है जिनका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है कि नहीं मिलता है? शाबाश, लिखो, तुम तो पढ़ाई टाइप हो गया मुझे लगता है। क्या लिखा? जिनका उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिलता है, लेकिन संसद की ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत इनका अनुसरण
इनका अनुसरण किया जाता है। संसद की ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत इनका अनुसरण किया जाता है, ठीक है। सामान्य वहां पर देखो लिखो, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर क्या परंपराएं बाध्यकारी होती हैं? क्या परंपराएं बाध्यकारी होती हैं? हाँ, परंपराएं बाध्यकारी होती हैं। क्या परंपराएं कानूनी बाध्यकारी होती हैं? अरे कुछ पूछा करो, सोच समझ के बोलो, कुछ पूछ रहा हूं, इसके पीछे कारण हो सकता है। क्या कानूनी बाध्यकारी होती है? नहीं होती है। क्या बाध्यकारी होती है? हाँ होती है। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाध्यकार अगर है, क्यों बाध्यकार है भाई? एक दिन मैं हाँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोज सुबह में एक अंकल जी बगल में थे, रोज सुबह में लेकर आता, मतलब जो होता है गुड मॉर्निंग अंकल जी, है ना, बगल में बड़े बड़े इंग्लिश के टीचर रहते हैं मेरे घर के। क्या मेरी बात समझ आई? मैं रोज कर रहा था 28-29 दिन मैंने लगातार किया, और एक दिन मैंने यह परंपरा तोड़ दी। नहीं समझे भाई? अब जिस दिन मैंने ये परंपरा तोड़ी, क्या अंकल जी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही उसके पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जिस उसके पहले मैंने कभी गुड मॉर्निंग नहीं किया, लेकिन मैंने 28 दिन लगातार गुड मॉर्निंग किया, और फिर एक दो दिन के लिए मैंने देखकर इग्नोर कर दिया, जबकि कोई बात ऐसी नहीं हुई थी। मेरी बात समझ आई? अब कैसा लगेगा, इमेजिन कर सकते हो? अरे बोलो, रोज तुम्हें कोई गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहा है ना, या रोज कहीं पर देख रहा हो कुछ गुड मॉर्निंग का मैसेज, और फिर एक बैग से क्या हो जाए, एक दिन आना बंद हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं बात समझ आई? तो ऐसे में हो सकता है तुम्हें हल्का सा क्या लगे, बुरा लगे, तुम क्लैरिफिकेशन मांगो, तुम स्पष्टीकरण की डिमांड करो कि आज गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, आज सुबह सूरज नहीं निकला क्या? मेरी बात सुनना रही है? कुछ भी डिमांड कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। भले ही तुम्हें पता है कि कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हें कोई गुड मॉर्निंग बोलेगी, लेकिन फिर भी परंपरागत तौर पर तुम 28 दिन तक गुड मॉर्निंग झेले हो, है ना, तो तीसरे दिन तुम्हें झेलने का मन करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक उसी तरह। और तुम क्या अपेक्षा रखोगे कि तुम्हें एक जस्टिफिकेशन, तुम्हें एक स्पष्टीकरण दिया जाए, भले ही कोई बाध्यता नहीं थी सामने वाले इंसान की गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि बोलने की, लेकिन तुम मांगोगे स्पष्टीकरण, कहोगे बहुत देर तक ऑनलाइन थे, डबल टिक लग गया नीला वाला, लेकिन मुझे जवाब देने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ आई? कई लोग अपना अपना जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं ऐसे ही होता है। तुम जस्टिफिकेशन की डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? स्पष्टीकरण मांगोगे ना सामने वाले से, मांगोगे नीला टिक लग गया, अभी तक तो बहुत तेज दिन हल्का जा रहेगा, है ना, है ना, अब हम पुराने हो गए इसीलिए अब जवाब नहीं दिया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तरह तरह की बातें करोगे, तरह तरह के विचार मन में आएंगे। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि एक परंपरा जो बधी हुई थी वह टूट गई, और इसीलिए तुम स्पष्टीकरण की डिमांड कर रहे हो। तो क्या अलग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कर रहा है, बोल रहा है कि परंपराएं क्या है, बाध्यकारी है, यानी कि अगर परंपराएं तोड़ेगी, अगर परंपराएं टूटेगी तो हमें क्या चाहिए, स्पष्टीकरण। नहीं समझ पाएगा? अरे बोलो, स्पष्टीकरण चाहिए। बिना स्पष्टीकरण दिए अगर आपने किसी परंपरा को तोड़ा, तो फिर हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा भी रख सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या मेरी बात क्लियर है? हम आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, निर्देश भी दे सकते हैं कि नहीं, आपको अगली बार किसी परंपरा का अनुसरण करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, संसद में एक सत्र, संसद कितने एक साल में कितने सत्र होते हैं? तीन होते हैं कि चार होते हैं? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है तीन सत्र होते हैं? चार कम बोल रहे हैं, कोई बोला है था, था चार बोला, छुप गया, ठीक है। तीन सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन। क्या मेरी बात क्लियर है? यही तीन सत्र होते हैं। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हुआ है।
लेकिन क्या किसी अनुच्छेद में यह दिया हुआ है कि संसद के दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप अंतराल नहीं होना चाहिए, यह बात दी हुई है। तो 3 सत्रों की बात को क्या यह अनुच्छेद जो कि बात करता है कि संसद के दोनों सदनों के बीच में, संसद के दोनों सदनों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, क्या इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी यानी कि संवैधानिक वैधता प्रदान नहीं करता है? करता है। क्या मेरी बात समझ? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि क्या बोलता है कि अगर वो परंपराएं टूटेंगी जो अभी तक चल रही थी, है ना, क्योंकि उन परंपराओं के पीछे भले ही वह सीधे रूप से किसमें लिखी गई है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखी गई है, लेकिन संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद लिखा हुआ है, जो भी, वो इस परंपरा को किसी तरह की संवैधानिक वैधता प्रोवाइड कर रहे थे, किसी न किसी रूप की संवैधानिक वैधानिकता दे रहे थे, और इसीलिए अगर यह परंपरा टूटती है, यह परंपरा टूटती है तो आपको क्या देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण। यही एक नैतिक बाध्यता, क्या मेरी बात समझ में आ गई? यही एक नैतिक बाध्यता है, लेकिन इसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह लिख लो कि बर्तन में नैतिक बाध्यता लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं है, अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है। Gracias.
परंपराओं को थोड़ा सा लचीलापन प्रदान किया गया है ताकि वह संवैधानिक व्याख्याओं से संवैधानिक व्याख्याओं ब्रैकेट में विवेचनाओं से दूर है या अलग है, व्याख्याओं से या विवेचनाओं से अलग है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ भाई, जब कोई आर्टिकल लिखा रहता है, जब कोई अनुच्छेद लिखा रहता है, तब उसके अलग अलग नजरिए अलग न्यायाधीशों के हो सकते हैं, क्योंकि वह लिखित बात है। जो लिखित बात है उसे लेकर अलग अलग न्यायाधीशों का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, और उसे लेकर अलग अलग नजरिया हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई किसी तरह से प्रियंकल को देखना बराबर है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, कुछ केसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोई किसी तरह से संविधान को देख रहा था, कोई किसी और तरह से संविधान के प्रीएम्बल को देख रहा था, भाग को देख रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन जो चीज लिखी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी विवेचनाएं तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो चीज लिखी नहीं हुई है जिसे बिना लिखे ही फॉलो किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है, क्या उसे लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की विवेचनाएं अलग अलग हो सकती हैं? हो सकती है नहीं, क्योंकि वो परंपराएं, हाँ, जो लिखा गया उसकी नहीं, उसकी होती है, जो लिखा गया है उसकी होती है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला कि यह चीज इस तरह से लिखी गई है, यह चीज याद देख के लिखी गई है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बोलेगा नहीं, इसमें यह भी चीज आती है। जैसे प्रीएम्बल का हमारे पास साफ साफ एग्जाम्पल है, जो प्रीएम्बल है हमारा, है ना, तो वो साफ साफ एग्जाम्पल है कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के दृष्टिकोण के अनुसार हमने प्रीएम्बल को अलग अलग तरह से समझा है। 1960 के केस में अलग समझा है, फिर गोलकनाथ केस में अलग तरह से देखा है, फिर 1973 का केशवानंद भारती केस अलग तरह से देखता है, ठीक है। प्रीएम्बल को देकर अलग अलग विवेचनाएं हैं, उसी तरह से किसी लॉ को लेकर अलग अलग विवेचनाएं हो सकती हैं, किसी अनुच्छेद को लेकर भी न्यायाधीशों की अलग अलग विवेचनाएं हो सकती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन जो चीज परंपरा के तौर पर अनुसरण की जा रही है, क्या उसे लेकर क्या न्यायालयों की अलग अलग विवेचनाएं हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा होता आ रहा है इसलिए ऐसा करिए, नहीं समझे बात? क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि न्यायिक विवेचनाओं से या संवैधानिक विवेचनाओं से अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसीलिए इनमें थोड़ा सा लचीलापन भी। क्या मेरी बात क्लियर? चलो हम इस बारे में कल बात करेंगे, कल आप लोग एक कहानी सुनाऊंगा अपनी असली जिंदगी परंपरा को लेकर।